हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस, लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया की सेकेंड मेथड, दैट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो चलिए समझते हैं क्या होता है ये, किस तरीके से होता है। सो बेसिकली स्टूडेंट्स, बैक्टीरिया में हमको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने मिलता है, बहुत सारी मेथड्स है उसकी, बट फ्रिक्वेंटली जो अक्सर हमको देखने मिलती है उस मेथड का नाम है, दैट इज रिप्रोडक्शन बाय द एंडोस्पोर्स। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, पॉइंट ये है यहाँ पे कि बैक्टीरिया में जनरली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की चार मेथड पढ़ने वाले हैं हम आज इस वीडियो में, लेकिन इन जनरली जो सबसे ज़्यादा यूज होती है उस मेथड का नाम है एंडोस्पोर्स के थ्रू जो रिप्रोडक्शन होता है बैक्टीरिया में, उसको बोला गया है बाय एंडोस्पोर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट मेथड, दैट इज अ बाय एंडोस्पोर्स। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, होता क्या है यहाँ पे, अनफेवरेबल कंडीशन यानी कि जो फेवर में कंडीशन नहीं होती है, सो अनफेवरेबल कंडीशंस में होता ये है कि यहाँ पे स्पोर्स जो है प्रोड्यूस होते हैं, फॉर्म होते हैं, बनते हैं, एंड ये बहुत सारे टाइप के स्पोर्स हमको देखने को मिलते हैं। ओके, सो अब क्वेश्चन आता है कि स्पोर्स क्या होते हैं, राइट स्टूडेंट्स। तो स्पोर्स जो होते हैं वो एग्जैक्टली क्या होते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक यूनिट होती है, इसको बोलते हैं। तो चलिए एक सेल के अंदर स्पोर्स क्या होते हैं उसको देखते हैं। तो जैसे कि स्टूडेंट्स, आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं कि ये जो है एक बैक्टीरिया की सेल है, एंड इस सेल के अंदर ये जो आपको एक सर्कल दिख रहा है, राइट, इस सर्कल के जो हमको शेप में दिख रहा है इसको हम बोलते हैं एंडोस्पोर। ओके, इस एंडोस्पोर की मल्टीपल लेयर्स अगर हम देखते हैं, ये जो आप देख रहे हैं ये ट्रांसवर्स सेक्शन एक एंडोस्पोर्स का, कि एंडोस्पोर्स में सबसे बाहर क्या होता है, एक्सोस्पोरियम होता है, फिर उसके अंदर क्या होता है, आउटर कोट होता है, उसके बाद फिर उसके अंदर इनर कोट होता है, देन हमको कॉर्टेक्स देखने मिलता है, उस कॉर्टेक्स के अंदर फिर कोर वॉल देखने को मिलती है। तो इस टाइप से वन बाय वन मल्टीपल लेयर का बना हुआ होता है एंडोस्पोर। ओके, देन इस कोर वॉल के अंदर हमको कोर मेम्ब्रेन देखने को मिलती है, एंड इस कोर मेम्ब्रेन के अंदर हमको कोर मटेरियल देखने को मिलता है। ओके स्टूडेंट्स, तो बेसिकली क्या है एंडोस्पोर, एंडोस्पोर जो है एक यूनिट है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ओके, तो चलिए आगे समझते हैं। तो जैसे कि स्टूडेंट्स, अभी हमने डायग्राम में देखे तो यहाँ पे वही बोला गया कि कुछ बैक्टीरिया में हमको एक बहुत रिजिड वॉल, ओके, रिजिड वॉल यानी कि कड़ी वॉल देखने को मिलती है प्रोटोप्लाज्म के चारों ओर, उसी को हम बोलते हैं बेसिकली, जो स्ट्रक्चर हमको देखने मिला था उसको हम बोलते हैं एंडोस्पोर्स। ओके, तो ये जो स्पोर्स होते हैं ये बनते हैं लगभग बेसिलस बैक्टीरिया की सभी कैटेगरी में। ओके, लेकिन अगर हम बात करें कि कुछ कुछ स्पेसीज ऐसी भी होती है बैक्टीरिया की जो कि कोकस एंड स्पायरल बैक्टीरिया में हमको देखने को मिलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो एंडोस्पोर्स होते हैं बहुत रेजिस्टेंट होते हैं, अपने अंदर बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस रखते हैं, एंड इन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है हॉट वाटर का या बर्फ़ का या केमिकल सब्सटेंस का। तो इन सभी चीज़ों के लिए ये जो एंडोस्पोर्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस शो करते हैं। ओके, अगर हम बात करते हैं ये एंडोस्पोर्स के शेप को लेकर के, तो जनरली इनका शेप हमको ओवल शेप में देखने मिलता है या कभी कभी स्फेरिकल शेप में देखने मिलता है। ओके, एंड अगर हम बात करते हैं इनकी पोजिशन को लेकर के, तो इनकी पोजिशन जो है एक बैक्टीरिया सेल के अंदर बहुत चेंज होती रहती है। इसका मतलब यह कि एक फिक्स पोजीशन पे आपको ये कभी भी नहीं मिलते हैं। इसका मतलब तो ये जो एंडोस्पोर्स होते हैं जनरली आपको किसी भी एंड पे देखने मिल सकते हैं सेल के, या फिर मिडिल में देखने मिलेगा, या तो कहीं पे भी मिडिल या फिर किसी भी एंड के बीच में आपको कहीं पे भी देखने को मिल सकता है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से इन एंडोस्पोर्स के थ्रू जो है ये बैक्टीरिया असेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। ओके, तो चलिए बात करते हैं इन एंडोस्पोर्स के स्ट्रक्चर को लेकर के कि किस तरीके से इन एंडोस्पोर्स का स्ट्रक्चर होता है। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे तो एंडोस्पोर्स के स्ट्रक्चर को लेकर के हमको बहुत सारे वेरिएशंस देखने मिलते हैं, यानी कि बहुत चेंजेस देखने को मिलते हैं। सारे ही टाइप के एंडोस्पोर्स जो हैं एक ही टाइप के हो ऐसा जनरली नहीं होता है, तो बहुत सारे वेरिएशन देखने को हमको यहाँ पे मिलते हैं। इनकी जो वॉल होती है वो बहुत सारी लेयर की बनी होती है, जैसे कि अभी हमने डायग्राम में देखे थे। जो सबसे बाहर की लेयर होती है वो बहुत पतली होती है, थिन होती है एंड सॉफ्ट होती है, उसको हम बोलते हैं एक्सोस्पोरियम। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद हमको थिक स्पोर कोट देखने मिलता है जो कि प्रेजेंट होता है एक्सोस्पोरियम के अंदर पे, इनर साइड पे। फिर उसके अंदर हमको देखने मिलता है कॉर्टेक्स, जैसे कि अभी हमने डायग्राम में देखे थे। एंड ये जो कॉर्टेक्स होता है वो मल्टीपल लेयर्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। एंड ये जो कॉर्टेक्स है स्टूडेंट्स, ये बनता कैसे है, एक्चुअली जो कॉर्टेक्स है ये मिक्सचर होता है। किस किस चीज़ का मिक्सचर होता है चलिए बताता हूँ मैं आपको। कैल्शियम डाइपाइकोलिनिक एसिड का, एंड इसके अलावा पेप्टिडोग्लाइकेन का। यानी कि आप ये बोल सकते हैं कि जो कैल्शियम डाइपाइकोलिनिक है एंड पेप्टिडोग्लाइकेन है, इनके मिलने से जो मिक्सचर बनता है उस मिक्सचर से बनता है कॉर्टेक्स। ओके, फिर इस कॉर्टेक्स के अंदर हमको कोर वॉल देखने को मिलती है,
ओके स्टूडेंट्स, जो कि कंटेन करती है अपने अंदर में एंडोप्लाज्म, न्यूक्लिक एसिड दैट इज अ डीएनए एंड राइबोसोम्स इन द साइटोप्लाज्म। तो सीधी सी बात है, ये जो कोर वॉल आपको देखने मिलती है, इस कोर वॉल के अंदर स्टूडेंट्स होता क्या है, बहुत सारी चीज़ें अपने अंदर कंटेन करती है, अपने अंदर रखती है, जैसे कि एंडोप्लाज्म हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, डीएनए हो गया, या फिर और भी बहुत सारे राइबोसोम्स हो गए, वो इसी लेयर पे आपको देखने को मिलते हैं। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स कि एक बैक्टीरिया सेल के अंदर जनरली सिर्फ और सिर्फ एक ही आपको एंडोस्पोर देखने को मिलता है, तो इस वजह से इसको एग्जैक्टली रिप्रोडक्शन बोलना गलत होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इस रिप्रोडक्शन से यहाँ पे जो नंबर ऑफ सेल्स हैं, ओके, जो नंबर ऑफ बैक्टीरियाज हैं, वो कभी भी इंक्रीज नहीं होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। बट इस मेथड के थ्रू होता क्या है कि जो बैक्टीरिया है अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है, बचा सकता है फ्रॉम द अनफेवरेबल कंडीशंस। इसलिए जनरली इस बाय एंडोस्पोर की मेथड को हम बोलते हैं मेथड ऑफ पेरेनेशन, यानी कि अपने आप को बचाने के लिए जो मेथड यूज होती है वो होती है बाय एंडोस्पोर। ओके स्टूडेंट्स, सो साइंटिस्ट ड्यूबोस ने इन द ईयर ऑफ 1945 में इस मेथड को एक नया नाम दिया था एंड उसको बोला था मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन एज द रिप्रोडक्शन विदाउट मल्टीप्लीकेशन। यानी कि है तो ये एक टाइप का रिप्रोडक्शन ही, लेकिन ये रिप्रोडक्शन इस टाइप का है कि यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन नहीं देखने मिलता है, यानी कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो कभी भी अपने आप को मल्टीपल नहीं करते हैं, उनके नंबर ऑफ क्वांटिटीज में कभी भी इंप्रूवमेंट नहीं होता है, हमको बढ़ते हुए बिल्कुल भी नहीं दिखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि इन एंडोस्पोर्स का जनरली जर्मिनेशन कैसे होता है, यानी किस तरीके से एंडोस्पोर्स जो हैं वो मैच्योर होते हैं, किस तरीके से वो अपने आप को एडजस्ट करते हैं इन कंडीशंस के अंदर। तो जर्मिनेशन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, की एक ऐसी प्रोसेस जिसके थ्रू कोई भी ऑर्गेनिज्म, जैसे कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बैक्टीरिया को लेकर के, तो जो ऑर्गेनिज्म है किस तरीके से वो एक सीड में से ग्रो करता है या किस तरीके से अपने स्पोर्स को जनरेट करता है। ओके, तो जर्मिनेशन किस तरीके से होता है चलिए देखते हैं। तो जनरली क्या होता है स्टूडेंट्स कि अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर या फिर जब वो वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो उस कंडीशन पे ये एंडोस्पोर्स का जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो स्वेल्स अप हो जाता है, यानी कि वो स्वेलिंग हो जाते हैं, यानी कि फूल जाते हैं। एंड ये जो स्वेलिंग हमको देखने मिलती है वो इसलिए होती है क्योंकि ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ओके, एंड इसके वजह से हमको इस बैक्टीरिया के सेल वॉल पे एक स्ट्रेस देखने को मिलता है, क्योंकि ये फूल जाते हैं वाटर एब्जॉर्ब करने के बाद, तो इसके बाद जो है इन स्पोर्स के अंदर हमको एक स्ट्रेस देखने को मिलता है, जिसके वजह से इसकी सेल वॉल जो है वो रप्चर हो जाती है, यानी कि फूट जाती है, ब्लास्ट हो जाती है। एंड इस तरीके से बैक्टीरिया की सेल से बहुत सारा प्रोटोप्लाज्म जो है वो बाहर आ जाता है। ओके स्टूडेंट्स, एंड इस तरीके से ये जो सेल है वो इंडिपेंडेंटली जीना शुरू कर देती है, लिव करना स्टार्ट कर देती है। तो ये था असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय द एंडोस्पोर। चलिए अब बात करते हैं सेकेंड मेथड की, दैट इज बाय कोनिडिया। तो फिलामेंटस बैक्टीरिया में जहाँ पे हमको स्मॉल स्फेरिकल या फिर ओवल शेप के स्ट्रक्चर देखने मिलते हैं, जो कि इन फिलामेंट्स के एपिक्स पार्ट में यानी कि आगे के हिस्से में देखने मिलते हैं, उसी को हम बोलते हैं कोनिडिया। जैसे कि आप स्टूडेंट्स इस डायग्राम में देख पा रहे हैं कि फिलामेंट के आगे छोटे छोटे स्फेरिकल शेप के आपको स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इसी को हम बोलते हैं कोनिडिया। ओके, इस तरीके से ये जो कोनिडिया होते हैं ये एक लॉन्ग चेन हमको दिखाते हैं, जैसे कि आपने अभी डायग्राम में देखे थे। एंड ये जो लॉन्ग चेन दिखती है कोनिडिया की, वो फिलामेंट के आगे एपिक्स पार्ट पे देखने को मिलता है, जिसको हम बोलते हैं कोनिडियोफोर्स। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं कुछ बैक्टीरियाज। आई होप क्लियर हो गया होगा। थर्ड टाइप जो है वो है बाय मोटाइल स्पोर्स। नाम से क्लियर है, मोटाइल का मतलब होता है कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाने वाला। ओके, हालांकि एक अनकॉमन मेथड है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जो कि हमको बैक्टीरियाज में देखने को मिलती है, कॉमन मेथड बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि कभी कभी जो मोटाइल स्पोर्स होते हैं वो राइजोबियम जीनस बैक्टीरिया में हमको बनते हुए दिखते हैं, जिसको हम बोलते हैं जू स्पोर्स। ओके स्टूडेंट्स, एंड इस तरीके से हर जू स्पोर्स जो है न्यू सेल को राइज करता है, यानी कि बर्थ देता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको ये मोटाइल स्पोर्स भी क्लियर हो गया होगा। चलिए लास्ट मेथड देखते हैं, दैट इज बाय सिस्ट। तो सबसे पहले समझते हैं सिस्ट क्या होता है। तो यहाँ पे डिफाइन किया गया है कि पूरे बैक्टीरिया की सेल में जनरली एक रेजिस्टेंट वॉल जो है वो कवर होती है अंडर द अनफेवरेबल कंडीशन, यानी कि अनफेवरेबल कंडीशन में भी एक बैक्टीरिया के सेल के चारों ओर जो है एक रेजिस्टेंट वॉल देखने को मिलती है, उस वॉल को बेसिकली बोला गया है सिस्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो इस सिस्ट की जो वॉल होती है स्टूडेंट्स, ये एक्चुअली दो चीज़ों से मिलकर बनी हुई होती है। एक होता है मोटी एक्सोस्पोरियम से, यानी कि थिक होती है बहुत ये,
थिक एक्सोस्पोरियम से एंड थिन एंडोस्पोरियम से मिलकर के बनी होती है। ठीक एंडोस्पोर्स के जैसे ही सिस्ट के पास भी कैल्शियम लेयर हमको देखने को मिलती है, बट डाइपाइकोलिनिक जो है वो अब्सेंट देखने को मिलता है, जो कि एंडोस्पोर्स में अवेलेबल था। ओके स्टूडेंट्स, एंड अगर हम बात करते हैं जब फेवरेबल कंडीशन अराइज होती है तो उस केस में जो सिस्ट होता है वो जर्मिनेट होता है, मैच्योर होकर के वो रप्चर हो जाता है, फूट जाता है, एंड इस तरीके से एक सेल जो है वो कन्वर्ट हो जाती है एक नए सेल में, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हमको ये सब चीज़ें देखने मिलती है एजोटोबैक्टर के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द बैक्टीरिया समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।